तो जैसे कि आप सबको पता है, सीबीएसई वालों ने अपने डेट अनाउंस कर दिए हैं। 15 फरवरी को बोर्ड्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं एंड 12 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सेक्शन ए लेके आया हूँ जो है 20 मार्क्स का। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके 20 में से 20 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चलो मैथमेटिक्स स्टाइल्स में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, देखते हैं किस टाइप के सम्स आते हैं ताकि आपके 20 में से 20 मार्क्स आ सके। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2^3×5 विल, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जब ये इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है। तो आइए सॉल्व करके आपको बताता हूँ। हमको क्या इक्वेशन दिया हुआ, 11/2^3×5। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 11/2^3 क्या होता है हमारा, 8×5 जो होता है 40। तब ये इक्वेशन हो गया 11/40। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.275। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर द 3 डेसिमल्स। सो आएगा हमारा ऑप्शन सी, टर्मिनेट्स आफ्टर द 3 डेसिमल्स। तो देखा आपने किस तरीके का एकदम इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आप सॉल्व करके आप अपना 1 मार्क्स आराम से ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द 2-डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखो ध्यान से, कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 2 नंबर से ज़्यादा के टेबल में आता हो। एकदम सिंपल वर्ड में कंपोजिट की डेफिनेशन यही है। जैसे कि अगर हम 2 नंबर की बात करें, 2, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में, जैसे 2, ये 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में नहीं आता। पर हमको यहाँ पे बात करिए कंपोजिट नंबर की, जो प्राइम नंबर नहीं है वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 4। अब 4 कंपोजिट नंबर कैसे, 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, और 4 खुद 4 के टेबल में भी आता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 4। और फिर हमको क्या पूछा है, एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2-डिजिट कंपोजिट नंबर। अब 2-डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 10। तो ये दो हमारे नंबर और इसका हमको सिंपली निकालना है एलसीएम। सो बहुत इजी है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ से 2 1 ज़ा और ये 5, और 5 1 1 हो गया। अब 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। सो 20 हमारा आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें जो सी है वो हमारा है राइट एंगल। तो पहले मैं एक बना लेता हूँ ट्राइंगल, मैंने इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब मुझे कहा गया कि एंगल सी जो है 90 है, तो मैंने यहाँ पे सी दे दिया। अब मैं इसको नाम दूंगा ए, इसको मैं नाम दूंगा बी, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब आप सबको पता है कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, और ऐसा क्यों होता है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में डाल दूंगा, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो, ये अगर सी 90 है तो ए प्लस बी कितना होगा, पूरा है हमारा 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है हमारा 180, जिसमें से हमको एंगल सी दिया है 90। तो ए प्लस बी, बट ऑब्वियस इनको भी 90 ही होना पड़ेगा, तभी 90 प्लस 90 हमारा आएगा 180। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 90। अब हमको सेक ए प्लस बी दिया हुआ है, तो सेक ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारा कितना हो रहा है 90, तो सेक 90, और सेक 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉट डिफाइंड। तो बधाई हो, आपका आंसर आ गया और आपको मिल जाएगा इसका पूरा 1 मार्क्स। तो देखा आपने, आप सिर्फ सिंपल लॉजिक अप्लाई कर सकते हो और आपको 1-1 मार्क्स इस तरीके से मिलते जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, sin θ + cos θ = √2 cos θ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan θ। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, अगर आपको इसके कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो की लिंक आप देख सकते हो ताकि आपके सारे फॉर्मूलाज आसानी से लर्न हो जाए। सो चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि sin θ + cos θ = √2 cos θ। देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप सबसे पहले ट्रिक समझो। देखो, sin θ + cos θ = √2 cos θ, अब ये कोई फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन नहीं रहा है।
सो इक्वल्स टू के उस साइड देखो क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है कॉस थीटा से। किस तरीके से करेंगे, तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट टू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा उड़ जाएगा। अब ये कॉस थीटा को मैं सेपरेटली भी लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा बचेगा रूट टू। अब ये कॉस थीटा कट गया, दोनों कॉस कॉस तो बचेगा वन, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन थीटा प्लस वन इक्वल्स टू रूट टू। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो टेन थीटा इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन, और आपको मिल जाएंगे पूरे एक मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, साइन अल्फा इक्वल्स टू थ्री बाई टू कॉस बीटा इक्वल्स टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब देखो साइन अल्फा थ्री बाई टू, मतलब साइन में थ्री बाई टू कब आता है वही हमारी अल्फा की वैल्यू होगी। तो साइन में थ्री बाई टू आता है 60 पे, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 60। अब कॉस में जीरो कब आता है, तो वो हो जाएगी हमारी बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू है हमारी आएगी 90, मतलब कॉस 90 होता है हमारा जीरो और साइन 60 होता है हमारा रूट थ्री बाई टू। अब हमको क्या पूछा कि बीटा माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30, सो 30 आएगा आपका आंसर। सो द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हमको एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जिनका रेशियो दिया है 1:2, और हमको पॉइंट्स दिए हैं 8-9 और 2-3, और हमको बताना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करता है। तो आप देखो ध्यान से, जब भी आपको लाइन सेगमेंट दिया हो और आपको रेशियो दिया हो, तो आपको सेक्शन फार्मूला लगा देना है जो मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिखा हुआ है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप सोच रहे होंगे कि m1 m2 x1 x2 क्या है, तो देखो जो रेशियो है, जो पहला वाला रेशियो आएगा वो हमारा m1, जो सेकंड रेशियो वो होगा हमारा m2, और जो हमको पॉइंट्स दिए, तो ये तो हम सबको पता है कि इसमें x1 y1 और ये होगा x2 y2। अब हमको सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो m1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 8 अपॉन m1 प्लस m2 जो होगा हमारा 3। तो यहाँ पे भी हमारा नीचे आएगा 3। अब m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 है हमारा -19। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 18 अपॉन में 3, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा -15 अपॉन में 3। 3 1 3 6 3 1 3 5 तो 6, -5, मतलब x का वैल्यू आएगा प्लस में, y का वैल्यू आएगा -5 में। तो ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों प्लस में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस फिर प्लस, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों माइनस आएंगे, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा जो हमारा आंसर है, पहला आएगा प्लस मतलब एक्स एक्सिस वाला, और वाई एक्सिस वाला आएगा माइनस में। सो इस तरीके का आपको एक मार्क्स पूरा आसानी से मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हमको एक पॉइंट दिया हुआ है ए एम अपॉन 3, 5, और हमको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसके दो पार्ट से क्यू और आर, और उनकी कुछ वैल्यू दी गई है, और हमको वैल्यू एम की फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे, जब भी हमको मिड पॉइंट दिया हो और हमको लाइन सेगमेंट, ये दो चीज़ हमको दी हो, तो हमको लगाना है मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हमको दी गई है कि m अपॉन 3, 5 इस तरीके से। तो अब देखो, अब x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x2 y2। अब सिंपली हमको वैल्यू पुट करनी है, x1 की वैल्यू है -6 प्लस x2 की वैल्यू है हमारी -2 अपॉन में 2 कॉमा y1 की वैल्यू है हमारी 7 प्लस y2 की वैल्यू है हमारी 3 अपॉन में 2। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो -6 -2 अपॉन में 2, 7 + 3 होता है 10 अपॉन में 2, अभी हो जाएगा -8 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 2 1 2 4 2 1 2 5 तो -4, 5
ये आया हमारा मिड पॉइंट। अब देखो हमको वैल्यू फाइंड करनी है एम की, तो एम अपॉन थ्री, अब देखो पहला वैल्यू होता है एक्स का और यहाँ पे भी पहला वैल्यू होता है एक्स का, सो एम अपॉन थ्री किसके इक्वल्स टू होगा, माइनस फोर के। तो एम इक्वल्स टू, अब ये थ्री उठ के वहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो फोर थ्री जा माइनस ट्वेल्व, तो एम की वैल्यू आई माइनस ट्वेल्व। तो बस इतना ही आपको करना है ताकि आपको आसानी से वन मार्क्स मिल चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हमको दिया एक फिगर, हमको दिया गया है और हमको बोला है कि इस फिगर का टोटल एरिया निकालो। तो देखो ये फिगर में आपको जो जो फिगर दिख रहे हैं उन सब का आपको सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो देखो इसका टोटल एरिया कैसे निकलेगा, पहले तो ये पूरी फिगर को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक बन रहा है कोन और एक बन रहा है सिलेंडर, मतलब दो शेप के फॉर्मूला यहाँ पे जरूर लगेंगे। तो देखो इसका टोटल एरिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो ये सिलेंडर पूरा कर्व्ड सरफेस में, इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ध्यान से देखो तो इसका जो बेस है तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो यहाँ पे जो कोन भी हमको दिया हुआ है, तो इन सब की हमको वैल्यू लिखनी है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर बेस होता है सिंपली पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो यही है आपका आंसर। देखा कोई भी फिगर दिए हो अगर उसका टोटल एरिया निकालें तो उस फिगर में जो जो फिगर बन रहे हैं उन सब के आपको खाली फॉर्मूला पुट करना है और आपको इस तरीके से एक मार्क्स मिल जाएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन बुक में लिख दिया, आपके भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन है वन रूट ऑफ द इक्वेशन के माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अनादर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही आधे स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते और छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमको बोला है कि अगर आपका कोई भी एक रूट है तो आप जो उसका दूसरा रूट होगा वो उसका एग्जैक्टली होगा रेसिप्रोकल। तो अब ये इक्वेशन को हमको कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ए क्या होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ है, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए क्या है के माइनस वन, तो ये मैंने सिंपली लिख दिया के माइनस वन। अब देखो बी क्या है माइनस टेन और सी क्या है हमारा थ्री, ठीक। अब देखो हम लेट करेंगे कि लेट वन रूट इक्वल्स टू अल्फा। अब हमको क्वेश्चन में दिया जो सेकंड रूट है वो उसका होगा रेसिप्रोकल, तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा वन अपॉन अल्फा, ठीक है। अगर एक रूट अल्फा है तो उसका रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन अल्फा, सिंपली बस हो गया आपका इक्वेशन सॉल्व। अब देखो अब हम सबको पता है कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए, मतलब कोई भी रूट ये दोनों रूट का प्रोडक्ट आएगा इक्वल्स टू सी अपॉन ए में। तो हमारा पहला रूट क्या है अल्फा, दूसरा रूट क्या है वन अपॉन अल्फा, इक्वल्स टू सी क्या है थ्री अपॉन में ए क्या है के माइनस वन। तो ये अल्फा उड़ गया तो यहाँ पे ही के माइनस वन इस तरफ आ जाएगा, तो के माइनस वन इक्वल्स टू होता है हमारा थ्री। तो अब ये वन उठ के उस तरफ चला जाएगा तो के इक्वल्स टू हो जाएगा फोर, तो के इक्वल्स टू फोर, ये है हमारा आंसर। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम अ नंबर, हमको ये नंबर दिया गया है और इसमें से एक हमको रैंडमली नंबर चूज करना है और हमको बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो जब हम इस नंबर के सबके स्क्वायर निकालेंगे तो ऐसे कितने नंबर है कि जिनके जो स्क्वायर आएंगे वो लेस देन इक्वल्स टू वन होगा। तो देखो ये करना कैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर है हमारे पास यहाँ पे 11। अब हमको इन सबका स्क्वायर निकालना है तो हम निकालेंगे स्क्वायर, तो माइनस फाइव का स्क्वायर होगा 25, माइनस फोर का स्क्वायर होगा 16, माइनस थ्री का स्क्वायर होगा 9, माइनस टू का स्क्वायर होगा 4, माइनस वन का स्क्वायर होगा 1, जीरो का स्क्वायर होता है 0, वन का स्क्वायर होता है 1, टू का होता है 4, थ्री का होता है 9, फोर का होता है 16 और ये होता है 25। तो ये सारे नंबर के स्क्वायर आ गए। अब हमको पूछ रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिन जो स्क्वायर निकले वो 1 या तो लेस देन 1 होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा कि 1 ये रहा, लेस देन 1 ये रहा और 1 ये रहा, मतलब तीन ही ऐसे नंबर है या तो वो 1 है या तो लेस देन 1 है। तो टोटल नंबर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू
total number of favorable outcome upon total number of outcome. So हमारे यहाँ पे total favorable outcome कितने हैं, 1, 2, 3, और total number of outcome मतलब total number कितने हमारे पास, 11. So 11/3 इसका आएगा आंसर. बस इतना ही आपको सॉल्व करना है. सो इस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और आपके 1-1 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं. सो सेक्शन ए में अगर देखा जाए तो आपको कहाँ से पढ़ना है, एक तो आएगा HCF LCM, एक आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, एक आएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में से भी पूछ सकते हैं, ट्राइंगल से भी आता है, सर्कल से भी आते हैं. सो मैंने काफ़ी सारे LCM, HCF, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस के भी कई बार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और प्रोबेबिलिटी, तो इनसे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो मैंने पहले पिछले बनाए हुए, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा सेक्शन सी बताऊंगा जो आएगा 24 मार्क्स का. इसी तरीके के वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा ताकि 10th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हों उनको काफ़ी हेल्पफुल हो जाए, तो यही मेरा मोटिव है. सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए. और हाँ, जितने भी आप 10th स्टैंडर्ड में बच्चे हों आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 15 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं. अभी से भी आप एक प्रॉपर शेड्यूल लगा के आप पढ़ते हो तो आप आराम से 80-90 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हो 10th में. सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर. ठीक है, बाय.